बाबा जी जब किसी इंसान की मृत्यु होती है और वो कुछ टाइम के बाद हमारे सपने में आते हैं और हमसे बातें करते हैं तो क्या उनकी आत्मा को आगे शांति नहीं मिली होती है कि ये हमारे मन के में? नहीं बेटा पहली बात तो ये है कि जो भी यहाँ से चले गए उनको अपने पुराने इसकी पहचान नहीं रहती हम क्योंकि अब अगर अभी तक भी जिस्मों के दायरे में हैं हम अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं सो so, हमें इन चीजों के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए अगर किसी ने हमारी जिंदगी में रिश्ते के जरिए प्रभाव ज्यादा गहरा पड़ा है तो ऐसे हमें महसूस होता है मगर इनमें कोई सच्चाई नहीं बाबा जी आपकी दया महर से मेरी मम्मी पाठी है और जब मैं अपनी मम्मी से कुछ कहती हूँ कि चलो ऐसे गरबा वगैरह में कहीं चलते हैं या फिर इस टाइप के आप कपड़े पहनो तो मम्मी कहती हैं कि नहीं हमें हुक्म नहीं है तो बाबा जी क्या ये सही है नहीं बेटा मेरा कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तो परमारद से ताल्लुक है ये ठीक है कि इंसान सादगी के रस्ते को अपनाएगा जिंदगी आसान हो जाएगी मगर ये तो आपके ऊपर निर्भर है बाबा जी कुछ लोग जो होते हैं वो सेवा बहुत करते हैं आ, सेवा में पूरा टाइम देते हैं पर वो अपनी आ, फैमिली से अच्छे से बात नहीं करते अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते तो क्या वो उनकी सेवा सफल होती है बेटा जब भी आप किसी भी चीज को गिनती में ले आओगे ना तो फिर उतना ही आपको नतीजा मिलेगा तो बेटा माँ बाप की बुजुर्गों की सेवा अगर उनकी हम सेवा नहीं कर सके तो बाकी कहाँ से हमारे से सेवा होगी हम तो वो अगर गिनती समझ के कुछ करते हैं तो उसका ज्यादा नहीं हासिल होता बेटा जब तक हमारी जिंदगी में वो भावना हमारी करनी से जाहिर ना हो ये तो फिर दिखावा ही हो गया ना